को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कैसा काय, के मना छो, राम राम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग गाइस, टू एन अमेजिंग डे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दिन के 4। हाँ, आई नो, मतलब दिन थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है, वो इस वजह से ऐसा हुआ कि हम लोग 8 बजे तक जगे हुए थे, वैलो खेल रहे थे, मैं वाइपर, कृतिका, रेगा, हम सब लोग खेल रहे थे। एंड देन फिर उसके बाद मैं नीचे आया, मैं चाय पी ही रहा था कि मतलब उसी वक्त जो है पता चला कि गोल्डी भाई आने वाले हैं, हरीश जी को कॉल आया कि रूम थोड़ा सा सही कर दो यहाँ पे एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद मुझे लगा कि, और हरीश जी को लगा कि वो 1 घंटे के अंदर आ रहे हैं, सो आई केप्ट ऑन वेटिंग। 10:30 बज गया, फिर पता चला कि नहीं, 10:30 नहीं, 3-4 बजे तक आएंगे। तो फिर मैं जाके उसके बाद सोया। सो थोड़े से लेट सोए तो अभी मिली आई हुई है, उसका शूट है यहाँ पे, कृतिका है और अंकिता है एंड बाकी, और जोकर भी आया हुआ है। सो यस, बाकी तो यहाँ के सब लोग हैं ही हैं। सो यस, मज़ा आने वाला है, आज का दिन पूरा घर भरा हुआ है। गोल्डी भाई भी अब तक पहुँच चुके हैं, वो बेचारे अभी सो गए हैं, बहुत लंबी जर्नी होती है 18 घंटे की। सो वो रात में उठेंगे 8 बजे के करीब, उनको कुछ काम है, तब उनसे मुलाकात करेंगे व्लॉग में। एंड अभी चलते हैं नीचे, सब लोग आए हुए हैं, उनके साथ मस्ती करते हैं। आ जा, बस यही करना होता है। मैं भी तो कैमरे लेके आया हूं। सब क्या कर रहे हैं आज? क्या कैसा दिन था आज का? आज का दिन बहुत सही था। अभी तो दिन पूरा ही नहीं हुआ है, दिन पूरा, बट हमारा दिन जल्दी चालू होता है। अच्छा, तुम्हारा जल्दी चालू हो जाता है? अच्छा, आजकल सुबह तक नहीं खेल रही क्या? अच्छा अच्छा, टाइम मैंने शेड्यूल फिक्स कर दिया है। अच्छा, फिक्स कर दिया है। कौन कोड नेम खेल रहा था कल रात को? मैं नहीं था। कितने बजे तक खेल रहे थे हम लोग? 4। मैं नहीं था, लेकिन मैं 11 बजे सोया हूँ सुबह। गाइस, आज मिली का शूट है और वो कह रही है कि सीक्रेट है, मैं नहीं बताऊंगी, तो उसका मतलब बहुत ही बेकार शूट होने वाला है। इसका मतलब मिली शर्मा चुकी है कि बता नहीं सकती है, इतना बेकार शूट होने वाला है। सोचा ही नहीं होगा कि इतना गंदा कैसे हो सकता है, बहुत अमेजिंग है। ठीक है गाइस, आपको ऐसे ड्यूअल वीडियो से पता लग जाएगा जब मिली का वीडियो आएगा, ठीक है ना? हम स्वाइप अप में डाल देंगे इंस्टा स्टोरी में मिली का वीडियो, ठीक है ना? हाँ, तो इससे पता लग जाएगा आप लोगों को, तो देख लेना जाकर। और चाचा तू भाई, हाँ बोलो ना चाचा, कब क्रीड 3? यस, यार आज कल रात में जा सकते हैं, तो परसों चल लो। परसों चल सकते हैं? परसों चलो, डन, क्रीड 3 विद बॉलिंग चैलेंज। तो तुम लोग कल जो एंट मैन हुआ हो ना? हाँ, मैं वर्सेस चले आएंगे एंट मैन। परसों क्रीड 3 है भाई, तब तक तेरे को होमवर्क है, तू क्रीड 1 और 2 देख। हाँ, 2 देख ले। रिव्यू मैंने देखे, बहुत अच्छी मूवी है। क्या देखा है? 3 का रिव्यू देखा है? 3 मूवी है, बहुत रिव्यू देखा है। 1-2 देखा है ना तूने? हाँ, 1-2 तो देखा ही है। थैंक यू सर, सो मच सर, थैंक यू सर, लव यू सर। एक कप चाय मिल जाता तो मेरे लिए भी दे दो, मर्सी पी रहा है। हाँ, बात ये मैं पी रहा हूँ इसलिए सब पी रहे हैं, समझ रहे हो, प्यार इतना ज़्यादा है। गाइस, आदि ने जो वीडियो सड़ाई है उसके बाद आदि हैज कम अप विद अ वेरी ग्रेट आइडिया कंपनसेट करने के लिए कृतिका की वीडियो का। मैं काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो। तो अभी आज क्यों रहे थे सुन के? बढ़िया चैलेंज है वो। एक तो गाइस, आदि आजकल बीच महफिल में ये लेकर बैठता है ताकि सबको लगे हाँ भाई बहुत ज्यादा हम क्या कर रहे हैं। देखो सुबह 7 बजे मेरे पास एक फोटो आया। तो क्या हुआ, मैंने तुम्हारे ब्लॉग में बोला था ना कि मेरे को सोल्यूशन बताओ, मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब। तो कृतिका का सुबह 7 बजे आया, सॉल्यूशन मिल गया। हाँ हाँ हाँ, मैंने खोला स्क्रीनशॉट, उसमें कमेंट किया था, पता है क्या था? आदि को बोलो पीसी जब खोलेगा, हाँ, तब जब आप डिलीट करते हो ना, तब एक रिसाइकल बिन नाम के ऐप में सेव हो जाती है फाइल। व्हाट अ डिस्कवरी, ये तुमने आज तक सोचा ही नहीं था। तो मैंने डिस्कवरी नहीं किया था। मतलब सोचो गाइस, एक तो कृतिका गिनी चुनी 1-2 वीडियो बेचारी दे पाई है, वो भी उड़ा दी इसने यार। शर्म भी आई करने से पहले यार, शॉपिंग वाला उड़ा दिया था इसने। हाँ, वेलकम मर्सी टू 37 डेज चैलेंज, वेलकम। ये मतलब ऐसा होता है क्या कि मतलब साइज के हिसाब से कैमरा होना चाहिए? क्योंकि मेरे पास बड़ा कैमरा था, मेरे से पकड़ा नहीं गया। फोन था इसका 13 Pro Max। हाँ, जो गुवाहाटी लेकर आया था। सीट यूज नहीं कर रहा, सीट का कैमरा ले लेंगे? हाँ तो ले ले।
ऐसे हाथ में लेके आया तेरे 3 मिनट तेरे 3 मिनट ब्लॉग उस आसानी से 13 मिनट ब्लॉग्स हो जाएंगे बोलो असली कहानी गाइस बेचारा मर्सी 10 मिनट के ब्लॉग बनाते हैं एडिट होके 3 मिनट के निकलते हैं क्योंकि एडिटर को पसंद नहीं आता जोकर तूने लोगों को बताया नहीं मैंने तेरे को मम्मी डंक्स गिफ्ट कर दिए कहाँ है ब्रो वाह गिफ्ट तो नहीं किए तूने मेरे को भाई भाई तू नहीं कैसा आदमी है मैंने इसको भेज नहीं दिए जूते जूते तो नहीं आए भाई मेरे को बहन तुम भी येलो कलर चूज कर रहे थे वो भी नहीं आया वो चलेंगे साथ में चूज करते ये कौन से ये जारा जारा से दिला दो आप ठीक है जारा 1000 का मिलता है मेरे को भी कुछ ऐसा ही बता दे भाई तेरा तो मम्मी डंग लूंगा और कुछ झाड़ू दिया और कल बीवी ने वीडियो में झाड़ू मरवाया वो माँ ने वो भी हर वीडियो में झाड़ू देख काम आ रहा है देख झाड़ू मतलब लोगों को बस पैसे से मतलब है गिफ्ट कितना महंगा होना चाहिए उसके पीछे का थॉट प्रोसेस नहीं दिख रहा देख कितना काम आ रहा है तो देख वेट कर रहा हूँ गाइस कमेंट में कर बता देना मैंने कुछ नहीं हो गया बर्थडे सुन अब कब आएगा अब भाई अगले साल आएगा तब तक मैं रहूं नहीं रहूं पता नहीं कहाँ जा रहे हो रहोगे तो मिल जाएगा नहीं रहोगे तो मेरे पैसे बच जाएंगे बात तो सही और सुनो मैं 1500 ऐड बात तो सही मेरा 1500 ऐड कर लेना उसमें हाँ मम्मी डांस में उसको तो 1500 मेरी तरफ से अच्छा ठीक है 1500 और कोई देना चाहता है तुम्हारा 1000 ठीक है 2500 रुपए उठ गए मैं नहीं मांग रहा किसी से मेरा बस ये मामा ने बोला था देखो डंक्स दूंगा मैं दे भाई तो देगा तो जरूर इतना तो पता है कहाँ से यहाँ से आप लेते हाँ तेरे को पसंद भी वही है वहाँ मम्मी नहीं मिलते ना पापा मिलते गाइस कोई शूट 3 बजे स्टार्ट होने वाला था और अभी 5:50 हो रहा है और ये क्रिएटर है और ये ऑर्गेनाइजर को देख लो सिर्फ बातें करने में लगी हुई कब से रेडी कर रही हूं कुछ भी खाना खाने बैठ गए थे ये मैं कब से देखा मुझे खाना खाते हुए आपने देखा कैमरा मैंने तो नहीं देखा 5 मिनट का खाना था 2 घंटा 50 मिनट से लेट चल रहे हैं हम लोग मंडली देखो भाई ये देख लिए शैंपेन चल रही है भाई शैंपेन क्या कौन सी पी रहे हैं आप मोहितो पीने बाद 2 दिन ये लोग पेट खराब रहा है लोगों का तो गाइस अपना शूट फाइनली डन पूरा हो चुका है बहुत शिद्दत और बहुत मेहनत के बाद इतना टफ फाइट दिया हम लोगों ने भाई। और उसके बाद हम लोगों को मतलब हार का सामना करना पड़ा इतना मेहनत और इतना मतलब यार इतनी मेहनत की मतलब भाई क्या होता है हाँ थक गया था मैं शूट में मैं भी ब्रो मतलब टायरिंग था वो जो पुशअप्स थे भाई मेरे अभी भी ना गाइस यहाँ छाती में दर्द हो रहा है उन पुशअप्स से भाई मिर्ची में दर्द तो नहीं हो रहा यहाँ होता है पेट में गले में भी हो रहा है अरे मेरे को पुशअप्स में भाई ये सब दर्द हो रहा है तुम्हारा फेस थोड़ा ड्राई हो रहा है जाओ ऊपर तुम्हारा फेस थोड़ा ड्राई हो रहा है हाँ क्या नहा क्या है ऐसे ऐसे अबे लड़कियों का क्यों नहीं होता है यार लगाते नहीं क्या तुम फेस के लिए आज हमारे पास मामा अर्थ की तरफ से आया है विटामिन सी का डेली ग्लो सनस्क्रीन एंड साथ ही साथ डेली ग्लो फेस सीरम आज हम लोग यूज करेंगे मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस सीरम तो गाइज इसके अंदर 5% विटामिन सी होता है जो कि आपके फेस को ग्लो प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ इसके अंदर 5% नियासिनामाइड होता है जो कि आपके इवन स्किन टोन को प्रमोट करता है उसको बढ़ाता है एंड साथ ही साथ इसके अंदर होता है टर्मरिक जो कि आपके नेचुरल ग्लो को रिवाइव करता है चलते हैं और जल्दी से इसको अप्लाई करते हैं द ड्रिल इज की जब आप यूज करते हो उससे पहले आपको थोड़ा सा शेक कर लेना होता है एंड देन फिर उसके बाद आप निकाल लो सो गाइस इस सीरम के अंदर 50x विटामिन सी का पावर है तो आप गाइस इसको मॉर्निंग एंड नाइट में यूज कर सकते हो टू एक्टिवेट द कंसिस्टेंट ग्लो एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये बहुत ही ज्यादा लो प्राइस पे अवेलेबल है इन द मार्केट फॉर जस्ट 399 फॉर 30 ml एंड ऑल्सो गाइस जो हमारे पास मामा अर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन है
उसके अंदर 2-in-1 बेनिफिट्स है ऑफ गिविंग सन प्रोटेक्शन एज वेल एज ग्लोइंग स्किन व्हेन अप्लाइड डेली। साथ ही साथ इसके अंदर SPF 50 विद PA++ होता है जो कि आपको परफेक्ट सन प्रोटेक्शन देता है। ऑल्सो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मामा अर्थ प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव पे वर्क कर रहा है विच इज दे आर प्लानिंग टू प्लांट मोर देन 1 million ट्रीज बाय द एंड ऑफ 2025। इसमें आप भी एक तरीके से सपोर्ट करते हो विच इज कि जब भी आप मामा अर्थ की वेबसाइट एंड एप्लीकेशन से परचेज करते हो कोई भी प्रोडक्ट तो आप लोगों का प्रोडक्ट इज लिंक्ड विद द ट्री दैट दे प्लांट उसका जियोलॉजिकल लोकेशन स्पीशीज एंड एवरीथिंग। गाइज अब मामा अर्थ अपने नियरेस्ट स्टोर्स में भी आपके आ चुका होगा तो व्हेनेवर यू बाय फ्रॉम एनी ऑफलाइन स्टोर्स डू मेक श्योर कि आप मेरे को टैग करो। मामा अर्थ इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट अमेजोन एंड नाइका बट स्पेशल चीज ये है कि वो मामा अर्थ अब अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है तो आप जाओ डिस्क्रिप्शन से लिंक पे आप क्लिक करो वहां पे उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो आप। एंड ऑल्सो आप जब भी चेकआउट करना तो मेक श्योर कि यू यूज द कोड मामा 2023 फॉर 20% एक्सक्लूसिव ऑफ ओनली ऑन मामा अर्थ वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। तो गाइस देखिए ब्लॉगिंग सीख रही हैं। व्हाट्स अप गाइस वेलकम बैक टू अनस्टार्ट चैनल। और ट्रिपल ट्रिपल कैमरा ट्रिपल वाला ये बटन दबाओ और स्विच हो जाएगा मोड। ये नहीं करना क्यों करूं उधर चला जाएगा क्या मैं रखता है भाई लड़कियां ऑब्सेस्ड होती हैं खुद को देखने के लिए। कैसा लग रहा है मुझसे भी छोटी होके बहुत ही बढ़िया। ऐसी की बात कर ये भाई ये तुम लोग ये बॉडी शेमिंग क्यों करते रहते हो भाई एज शेमिंग बॉडी शेमिंग या एसे ट्यूल के लिए हमको शेम से नहीं लग रहा है हम हैं छोटे छोटे वी आर पीछे अच्छा साइड में खड़े हो जाना जब तुम बात करती हो तो ऐसे ही करती हो। चलो चले अच्छा करो मैं बता रहा हूं अच्छा रेबेल की स्टोरीज देखिए ओ मामा ओ अच्छा मामा कर लो रेबेल ऐसे लगता कुछ खा गया यार। मेरी जान मेरे चीते भाई तू दिखता ही नहीं है यार वो थोड़ा सा स्ट्रीमिंग व्रीमिंग दिखता नहीं रही है तू पता है ना क्या क्यों क्या पता क्या क्या है जो मुझे नहीं पता है जैसे ये एक फोन लेके बैठेगा ये एक फोन लेके बैठता है जब इसका फ्री टाइम होगा तो ये फोन भी लगा अरे वो इसी की इधर इसकी स्क्रीन में क्या खुला क्या खुला था अभी वो डीजे में वो पार्टनर वाला नहीं होता था उस लड़की की प्रोफाइल कुछ खुला हुआ था मतलब उसकी प्रोफाइल खुली थी और ऐसे खड़े हुए तुमने ऐसे करके मतलब लोग जब उम्र बढ़ती है तो और छोटे कैसे हो जाते हैं इसमें बड़ी लग रही है इसमें छोटी लग रही है क्या हो गया भाई इस लाइन में आके खाना पीना छोड़ दिया क्या हम तो इस लाइन में आके खाना पीना बढ़ा दिए भाई क्या क्यूट लग रही है मोटू भाई साहब ये कब की कितने साल की है ये कौन से स्कूल की है कितने साल पुरानी बहुत साल पुरानी है 10-12 एक रैंडम बंदे ने डीएम किया और नीचे लिखा था यू आर वेलकम हु आर यू फेक अकाउंट था एक मैसेज नहीं था एक पोस्ट नहीं था मेरे को मैसेज किया यू आर वेलकम बस वेलकम बैक हम तो प्लेग्राउंड के बाद से पहली बार मिल रहे हैं यस सर यस आई वाज इन अलीगढ़ ये कौन है कौन है तो अंकी है पहले पहले वाली ये कैसे मिला तेरे को हम ही लोग फूल गए गाइस ये देखिए यहां से यहां गला भी था ये और उनको देख लिए वो कम हो गई है इस लाइन में आने के बाद क्या कर रहे हैं काम ब्रो काम कर रहे हैं As usual, कितना बज रहा है अभी इसके बाद एक और एडिट करना है 2:25 AM yeah. काफी हार्ड वर्किंग लड़का है भाई ये महीना अच्छा छापा ज्यादा अच्छा छापते हो ना तो फटनी चाहिए फटनी चाहिए मतलब ज्यादा अच्छा टैक्स भी आएगा मत बोलो पहली बार जब इंसान टैक्स मिलता है ना तो दिल पर कि भाई कोई पैसा ले गया भाई जेब से वो ऐसा पैसा कि मैंने आज तक खर्च भी नहीं किया वैसे पहला धक्का कब लगा था पता मैंने अपना गेमिंग रूम बनाया था तो मैंने 50,000 का लाइट मंगाया था बाहर से जिसके आपको पैसे कम पड़ गए थे तो अब 50,000 का लाइट मंगाया और मेरे पास 40,000 कुछ बचे थे तो उससे मैं सोच रहा था यार PS5 लो TV लो और क्या क्या बच सकता है जो जो मैं वो सोचा था ले लूँगा मतलब 10,000 होगा कस्टम ड्यूटी का आया कस्टम ड्यूटी डे के कॉल आया
कि सर आपका ड्यूटी भरना है। मैंने कहा हाँ, हाउ मच? तो बोलता है 15,000। मैंने कहा 15,000? तो नहीं सर, 50,000। वो सुन के जो मेरा आज तक मैंने कभी बाहर से कुछ मंगवाया नहीं है। गाइस मामा का 7 फिगर टैक्स सुनोगे आप लोग? पहला टैक्स मत कर रहा हूँ, मेरे को बात ही नहीं करनी। मैं 2 साल से झटके खा रहा हूँ, मैं दबा के खर्चा कर लेता हूँ ये सोच के कि सब मेरा पैसा है। फिर मार्च में आता है कोई बोलते हुए कि नहीं किसी और का भी कुछ पैसा है तो मुझे तुम्हें लौटाना है। डिनर टाइम, क्या बना है? पनीर है, गोभी है, मटर है, तो सब अच्छी चीज है, सब गुड है। लाइए दीजिए, मेरे को खाता हूँ। दीजिए अभी, प्लेट दीजिए, मतलब लीजिए। अक्षु जी आप यहाँ पे अकेले बैठे हैं? यस मामा, वेरी अलोन। क्या हो गया? कहाँ है हमारी बहू? का है बहू है, है बहू है, इससे बात क्यों नहीं कर रहे हो? बहू खाना खा रहा हूँ। अच्छा, खाना खाते हुए डिस्टर्ब नहीं करना होता है क्या? मतलब ये दैट्स द रूल ना, खाना खाते हुए अपने को मोबाइल ही चाहिए होता है ना कि भाई खाना खा है। अचार हाँ चाहिए ना, ला देना अचार। खाना अलाउड है यार? अचार चखन चखते हैं, खाते थोड़ी हैं। है माफिया, तू कब ज्वाइन करेगा? अब तो मर्सी ने भी ज्वाइन कर लिया। हाँ, 37 डेज चैलेंज। 37 डेज? हाँ, जैसे तुमने किया मैं भी कर लेता हूँ। हाँ तो करो, करवाओ तुम्हें करना है, फॉलो करोगे तो करवाए। हाँ, कर लेंगे। पक्की बात? पक्की बात, साथ में होना चाहिए कोई करने वाला। मैं सिड भाई, मर्सी और तुम रहेंगे ही। चालू, डन, कल बात करूँ? अब जितनी हाइट बढ़नी थी अब बढ़ गई, अब नहीं बढ़नी है। अब तू अब मैं आने वाला होता है इसको। तेरी तू क्या बचपन में कुछ खेलता था क्या? बैडमिंटन, बैडमिंटन खेलने लग गया। मैंने उस दिन बैडमिंटन खेला था, शटल मारा इन्होंने पहला बार बैडमिंटन से टच करा, यहाँ पे ऊपर वाले आगे अटक गई बालकनी में। याद नहीं, कर सकते कल, कर सकते कल नहीं परसों, कल मैं जा रहा हूँ, कल मीटअप है मेरा। रात में 10 बजे आऊंगा, ठीक है? कल रात में बैडमिंटन, लेट नाइट। साल से रैकेट नहीं पकड़ा रात में। हाँ तो मैंने भी नहीं पकड़ा, ठीक है? कल रात में लेट नाइट चैंपियनशिप। ओके डन गाइस। यस, आपको आता है? नहीं, मोबाइल ही गेमर रह गए। अब तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी, प्ले ग्राउंड में तुम्हें फिजिकल होना नहीं सिखाया, हम सिखाएंगे तुम्हें फिजिकल होना। वो बैडमिंटन आप शायद आ सकते, शायद शायद ही ना रहना तो। चलो डबल हो जाए। हाँ डबल हो जाए, ठीक है, ठीक है, डन डन, ठीक है, डन, ठीक है। कृतिका की तरफ डालना क्योंकि वो उछल के मार नहीं पाएगी। कृतिका उड़ती हुई ना आ रही हूँ इस तरफ, देखना रैकेट गलत ना चल जाए। टीम में अभी से फूट पड़ चुकी है। सो गाइस सुबह के 4:30 बज गए हैं एंड हालांकि मैंने स्ट्रीम पे बताया था आप लोगों को कि मैं जल्दी सोऊंगा आज क्योंकि मैं सिर्फ 3 घंटा सोया हूँ, बट मैं नीचे गया यहाँ से एंड देन फिर उसके बाद गोल्डी भाई के साथ जब बात करने बैठे तो कब 3, 3.5, 4 घंटे गुजर गए, बिल्कुल वक्त का पता ही नहीं चला। इतने ज़माने बाद बैठे हैं, मतलब जब मैं भी अलीगढ़ चला जाता हूँ तो मैं भी थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो जाता हूँ। द सेम दिल्ली वो जब गए तो घर वर एंड एवरीथिंग, वो सारी जिम्मेदारी देखना क्योंकि वो महीनों महीनों बाद जाते हैं तो मतलब थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं लाइफ में। तो जब वापस आते हैं और सब दोबारा से मिलते हैं तो इतनी सारी बातें होती हैं करने को, यहाँ की, उनकी लाइफ की, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ की, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा लगता है, मज़ा ही आता है इन टोटल। एंड ऑल्सो आज मेरे को ये मिला, ये मुझे रिसीव हुआ किसी ने, तो बाय पोस्ट भेजा है किसी ने, ये स्केच बनाया है एंड ऑब्वियसली इट्स अ स्केच गाइस। आप लोग जैसे कि देख सकते हो ये सब स्ट्रोक्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जैसे कि अगर देखो इसको, अगर ऐसे रखो, मतलब माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अमेजिंग बनाया है। थैंक यू सो वेरी मच, और इतना अच्छा बनाया है कि मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से अच्छे से रख देता हूँ ताकि इसको कुछ ना हो और ये अच्छे से दिखे भी। यस, ये भी एक मेरे को दिल्ली कॉमिक कॉन ने किसी ने बना के दिया था। थोड़ा सा मेरा यहाँ पे फेस फ्लैट रह गया लेकिन ये बहुत अमेजिंग है एंड ये बहुत ही प्यारा एफर्ट है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल दिस सपोर्ट, इतना आप लोग टाइम निकालते हो एंड मतलब
इतना प्यार करते हो, इतना मेहनत से बनाया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड यस, यही था आज का व्लॉग, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती हुई एंड एवरीथिंग। मैं जानता हूँ आप लोग चाहते होंगे कि मैं गोल्डी भाई को दिखाता व्लॉग में, लेकिन आज वो इतना ज़्यादा टायर्ड थे, मतलब 18 घंटे की जर्नी के बाद फिर 2 घंटा फिर सोए, फिर उनको अपना PC का कुछ काम करवाना था तो वो उठ गए थे 8 बजे, इसलिए मैंने कंफर्टेबल जोन से उनके बाहर जाके, मतलब मैं कैमरा नहीं ले जाना चाहता, लेकिन कल हम पूरी कोशिश करेंगे, मुझे कल मीटअप पे जाना है, मतलब आप लोग जब देख रहे होगे ये व्लॉग तो मुझे आज शाम 5 बजे मीटअप के लिए जाना है मुंबई में, मेरा मीटअप है आज एक एयरटेल स्टोर में, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो लोग पास में हों वो लोग प्लीज़ जो है कोशिश करना, अगर आ पाओ तो आ जाना, ग्राउंड फ्लोर बेल प्लाजा बिल्डिंग PM रोड फोर्ट मुंबई 4 फिर तो पिन कोड है, तो मतलब PM रोड फोर्ट 5 बजे का है, तो मैं करीब 2:30-3 बजे करीब निकल ही जाऊंगा ताकि मैं सही से टाइम पे पहुंच जाऊं, तो ज़रूर कोशिश करना कि आप लोग आना एंड मिलते हैं आप लोगों से कल के व्लॉग में, जितने भी आप लोग मुंबई के जितने भी लोग आ पाओगे उनसे मैं ज़रूर मिलना चाहूँगा एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से प्लीज़, जितने लोग आप लोग देख रहे हो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना फॉर दीज अमेजिंग व्लॉग्स एंड चैलेंजेस एंड एवरी ब्यूटिफुल लवली गेमिंग लाइव स्ट्रीम जो आप लोगों के साथ इतनी प्यारी बनती है, थैंक यू सो वेरी मच, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड या लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, लाइक और कमेंट भी कर देना, शेयर में अगर थोड़ा कंटाल आ रहा हो तो लाइक और कमेंट कर देना बस, और उतना ही अपने लिए काफ़ी होगा, तो मिलते हैं गाइज आप लोगों से अगले व्लॉग में, अंटिल देन लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार दिल से, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज स्टेइंग बाय मी एंड यस, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, अंटिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट गाइज़।